आज के इस कार्यक्रम के बारे में क्या क्या कहना चाहेंगे? आज जैन भवन में देहरादून यूथ मिशन और होटल उद्घाटन के दौरान सबसे पहले तो मैं ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज किया, उसमें हम लोग रोटी को बैठे बैठे हैं और दोनों जो बेहद क्लब को आज प्रोग्राम उन्होंने स्पॉन्सर किया है अभिषेक की तरफ से, इसलिए उसको धन्यवाद। आज हमारे यहाँ पर धन्यवाद देता हूँ उनका। एक कार्ड जो ब्लड देते हैं वो एक आदमी की जान बचाने के लिए सबसे बेहतर है, तो ब्लड डोनेशन यहाँ पर बना रहे हैं, उनको धन्यवाद देता हूँ। आज हमारे यहाँ पर सुरंदर भेद है, वो 4 बार ब्लड दे रहा है समाज के लिए, मैं उसको भी धन्यवाद देता हूँ। पाक प्रचार किया है तो मंदिर या प्रकाश में नंबर ब्लड दिया है उसको भी धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद मेडिकल ब्लड प्रिंसिपल और स्टाफ को देता हूँ, ब्लड स्टाफ को देता हूँ, अपनी टीम यहाँ पर अपनी भेजी है आज ब्लड कलेक्शन करने के लिए, और ये ब्लड आज जितना भी कलेक्शन दो जितना भी कलेक्शन होगा वो ब्लड मेडिकल कॉलेज को जाएगा। मैं समाज से ये बात करूँगा जब भी कोई ब्लड कैंप लगता है ब्लड जो देने लायक ब्लड जो दे आपका एक ब्लड एक आदमी का जुर्म बता सकता है, और आज सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने उपलब्ध किया है एक ब्लड कैंप आज लगाया है, और उनका एक आने वाले 26 तारीख को भी ब्लड कैंप है, जितना भी आप পঞ্চাশতম এই রক্তদান করার পর আপনার অনুভূতি দেখুন। আজকে আমার যে আমার ভাগ্য যে আজকে দিনের যে আমি আমরা সবাই করতেছি মনিটরিং দেখা দিন আজকে আমি চাই আগামীতে যে 100 তমের হিমোগ্লোবিন চেক করা যাইব না রাখাটিং রক্তদান কে ক্ষেত্র মে তেরা বন ইভো পরিষদ ও রোটারি ক্লাব কে কে ভূমিকা আপ ভি কই বর্ষ সে জুড়ে হুয়ে হ্যায় পাঁচ মাস কে সাথ অনুভব কেসা আজ কা ইয়ে ক্যাম্প ব্লাড তেরা বন ইভো পরিষদ মে রে কে রোটারি ক্লাব কে সাথ মিল কে মেনে স্পন্সর কে বহুত আচ্ছা হচ্ছে रिकॉर्ड रहा है 104 बार आपने रक्तदान किया है जो कि 104 लोगों की जान बचाने के बराबर है, तो आपका अनुभव कैसा है आपके? अच्छा ही लगता है मुझे तो, क्योंकि ब्लड डोनेशन का कैंप होता है, किसी को रिक्वायरमेंट होता है, मेरा टाइम ड्यू रहता है और एक मुझे तो फुर्ती लगता है ब्लड देने के बाद, और मैं सबको प्रेरित यही करता हूँ कि ब्लड डोनेट करना चाहिए ताकि अपना भी शरीर सही रहे और सामने वाले को भी मदद मिले। बहुत सारे लोग डरते हैं कि ब्लड देने से शरीर की एनर्जी चला जाएगा या फिर प्योर ब्लड फिर से होने में बहुत टाइम लगेगा, आपने तो 104 बार दिया, आपका क्या अनुभव है? जो ब्लड डोनेशन करने से जो पहले बार डोनेट करते हैं उनको मेरा यही रहेगा रिक्वेस्ट कि कैंप में जाके डोनेट करें ताकि उनको आइडिया भी मिले कि डोनेशन करने से ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ब्लड देने से क्या है 3-4 घंटे में वापस तो मिलेगा, ये साइकोलॉजिकल है, जो आदमी ज़्यादा सोचता है वो लेने में उनको प्रॉब्लम होता है, यदि वो सोचे कि मुझे ब्लड डोनेशन करने से मुझे फ़ायदा है मेरे हिसाब से सबको डोनेट कर सकते हैं। मेरे को लास्ट 30 साल हो गया, कितना मेरा 53। नाम सुरेंद्र जैन।
तुम्हारे प्रोफेशन में क्या करते हैं? स्टेशनरी का दुकान। धन्यवाद आपको, आपने 104 यूनिट ब्लड दिया है, 104 लोगों की जान बचाई है। इस संस्थान के सभापति के पद पर भी आना चाहिए। इतने बड़े गुरु दायित्व पालन करते हुए खुद को आम जनता के लिए नौछावर करने का जो गिरा आरम्भ था, इसके लिए आपको माननीय प्रधानमंत्री। नमस्कार। अखिल भारतीय थेरापी युवक परिषद और भारत सरकार द्वारा आज ये मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव का आयोजन किया गया है। हमें खुशी है कि इस हमारे आयोजन में भारत सरकार भी हमारे साथ है और उन्होंने सरकार ने एक पखवाड़े का घोषणा की है, जिसमें ब्लड जो भी डोनर है जहाँ भी है वो हमारे साथ अखिल भारतीय थेरापी युवक परिषद के साथ संयुक्त रूप से आयोजन किया जा रहा है। तो आज ये अभी पूरे देश भर में आयोजन हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफिसेज में और प्राइवेट में और में हर जगह इस कैंप का आयोजन किया जा रहा है। हम सिलचर में भी आज इस कैंप का रोटरी क्लब के साथ आयोजन कर रहे हैं। हमारे इस कैंप के लिए एपीसीए इंफ्रास्ट्रक्चर श्री गुदमल जी बैद द्वारा भी हमें सहयोग प्राप्त हुआ है। इस कैंप के प्रायोजक जी हैं और हमारे यहाँ आज रोटरी क्लब भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो इस मानवता के इस नेक कार्य में हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएँ और रक्तदान करें। आज भारत में रक्त की बहुत कमी है। आज कितना यूनिट आप लोग कलेक्ट करने का इरादा रखते हैं और कितना यूनिट हुआ है? हम लोग आज का 70 यूनिट से ऊपर का टारगेट लेके चल रहे हैं। अभी तक 15 यूनिट हो चुका है और भी अभी भी जारी है। शाम 4 बजे तक हमारा ये कैंप चलेगा और 26 तारीख मंगलवार को भी एक कैंप और आयोजन किया गया है। तो उस दिन भी अगर कोई चाहे तो रक्तदान कर सकता है। हम सबसे यही अपील करते हैं कि मानवता के इस नेक कार्य में सभी आगे आए और रक्तदान करें। रक्तदान करने से अनेक फायदे हैं। बहुत जन के मन में ये विचार आता है कि रक्त लेने से शरीर में कुछ कमी हो जाती है, बीमारी हो जाती है, लेकिन रक्तदान करने से आपका शरीर में नया खून बनता है। तो आपकी अगर कोई बीमारी छोटी मोटी है तो खत्म हो जाती है, बनती नहीं है बल्कि खत्म होती है। और ये जागरूकता ज़रूरी है। तो हम सबसे यही अपील करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे भी हैं जो एक ऐसे हैं श्री सुरेंद्र जी वैद जो हमारे परामर्शक हैं, उन्होंने अभी तक 104 बार अपना रक्तदान कर दिया है। और भी ऐसे बहुत साथी ऐसे हैं जो हर 3 महीना से रक्त निरंतर रक्तदान करते हैं। तो रक्त देने से कोई कमी नहीं होती है बल्कि शरीर में नया खून होता है, बीमारियों का नाश होता है। इन्हीं भावों के साथ कोई लेडीज है क्या? हाँ, लेडीज़ में अभी तक बहुत देर है, लेकिन अभी 10 यूनिट या 15 बार ऐसा हुआ है, लेकिन 50 यूनिट तक अभी नहीं हुआ है। आपका शुभ नाम? मेरा अशोक मरोटी है और मैं थेरापी युवक परिषद सिलचर शाखा का अध्यक्ष हूँ और अखिल भारतीय थेरापी युवक परिषद समिति सदस्य हूँ। धन्यवाद आपको, आपने कीमती वक्त दिया।